दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको एक एमटी शॉप का डब्बा चाहिए, एक एलईडी बल्ब खराब वाला, और ये बैटरी चाहिए 3.7 वोल्ट की। मैं दोनों यूज़ करूँगा, आप एक भी कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा एम्पियर को बढ़ाऊँगा, उसीलिए दोनों बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। और एक 5 वोल्ट चार्जर मॉड्यूल चाहिए, इससे बैटरी हमारा सेफ्ट में चार्ज होगा, ठीक है। और एक डीसी 5 वोल्ट एलईडी ले लिया हो, और ये रेगुलेटर स्विच, ठीक है, इससे हमारा लाइट काम बड़ा कर सकता हो, और एक ही में ऑन ऑफ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं रेगुलेटर स्विच को यूज़ कर रहा हूँ। और ये वायर चाहिए, इस वायर से बैंड होगा, आप जिधर मर्जी एलईडी को कर सकते हो। तो इसको पीछे में ऐसे लेके इसके ऊपर मैं राउंड करके घुमा लूँगा, ठीक है, इससे एलईडी टाइट हो जाएगा और वायर भी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, आप जिधर मर्जी बैंड कर सकते हैं इसको। उसके बाद इस एलईडी को मैं ओपन कर लूँगा। मैं इसका ऊपर एलईडी को चिपकाऊँगा, पहले इसका कनेक्शन और एक कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ, ताकि एलईडी अच्छा से बैठ जाएगा इसका ऊपर। इसको पीछा घुमा के मैं इसका ऊपर एलईडी को बैठा लूँगा। आप कोई सभी पेपर भी गोल राउंड शेप काट के इसके ऊपर बैठा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं पूरा खोल लिया। उसके बाद वायर को मैं इस दोनों होल्ड से निकाल लूँगा, उसके बाद एलईडी को अच्छा से बैठा लूँगा। तो ये फ्रेंड बहुत ही टेबल लैम्प लाइट बहुत ही अच्छा होगा, इसमें आप बुक आराम से पढ़ सकते हो, आप जिधर मर्जी इसको बैंड कर सकते हो, नीचे ऊपर, ठीक है। तो आप वीडियो का शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन के उसको भी दबा दो। तो देखिए फ्रेंड, एलईडी को मैं ऐसा बैठाऊँगा, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, सोल्डिंग कर लेना है। इसका अगर मैं नहीं खुला हूँ एलईडी बल्ब का, इससे क्या होगा, पीछे से मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता हूँ ईजी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ दोनों वायर को। दोस्तों, आप इसको घर में इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, अगर कुछ भी गलत बात बोल देता हूँ तो मेरे को माफ़ करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरा हिंदी समझ में आ जाएगा। उसके बाद इधर जो पीछे जो सोल्डिंग है, इसमें दोनों वायर को मैं लगा लूँगा एलईडी का, ठीक है। तो देखिए, मैं एक पुराना डाटा केबल ले लिया हूँ, आप वायर भी लगा सकते हो, मेरे पास ये था खराब वाला, उसीलिए मैं इसको ही छोड़ लूँगा। यहाँ पर कटिंग करके इसका वायर को निकालना है। इसमें फ्रेंड 4 वायर रहता है, दोनों प्लस माइनस रहता है, और दोनों डाटा ट्रांसफ़र का लिए रहता है, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस लेना है, बाकी दोनों को काट लेना है। देखिए, मैं जैसे कटिंग कर लिया हूँ दोनों वायर को, उसके बाद इसको पीछे में लगाना है, जिधर एलईडी का प्लस माइनस है वहाँ पर जोड़ देना है। तो देखिए, मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको दबा दो। तो देखिए, इसमें रेड वाला को मैं प्लस में जोड़ दिया हूँ, और वाइट वाला को माइनस में जोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा जोड़ लेना है। उसके बाद वायर को, इसका जो मैं बैंड वाला वायर को लिया हूँ, इसको ऊपर लपेट देना है, फिर नीचे पूरा ले जाना है, ठीक है। फिर बाद में इसको ग्लू गन से पूरा फिक्स कर देना है। तो ये देखिए, मैं इसका ऊपर घुमा घुमा के पूरा नीचे साइड लेके चला जाऊँगा, ये ऐसा सेम राउंड राउंड घुमा के नीचे लेके ले जाना है। उसके बाद इसको टेप से पूरा चिपका देना है। तो ये देखिए, मैं नीचे लेके आ गया हूँ, उसके बाद टेप से इसको पूरा फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं टेप से पूरा चिपका दिया हूँ, उसके बाद पीछे साइड भी मैं ग्लू गन दे दिया हूँ, पूरा फिक्स हो गया है। और एलईडी को मैं नट से फिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका काम हो गया है अभी। उसके बाद डब्बा को ले लेता हूँ, जिसमें हमारा चार्जर मॉड्यूल स्विच बैठेगा। तो यहाँ पर इसको फिक्स करना है, तो इधर मार्क करके इसमें एक होल कर लेना है, जहाँ से मैं चार्ज करूँगा बैटरी को। तो इधर मैं मार्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सोल्डिंग आयरन के द्वारा कटिंग कर लूँगा, ठीक है। तो इसका मार्किंग हो गया है, उसके बाद स्विच का भी मार्किंग करके होल कर लूँगा सोल्डिंग आयरन से।
तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ठीक है। तो देखिए, मैं सोल्डिंग आयरन के द्वारा इसका होल कर लेता हूँ स्विच का। ये स्विच का हो गया है और चार्जर मॉड्यूल का भी हो गया है। यहाँ पर ग्लू गन देके इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, दोनों बैटरी को मैं ले लिया हूँ। इसको मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँगा, वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन एम्पियर इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, मैं फटाफट से कनेक्शन कर लिया हूँ। उसके बाद ये देखिए, इसका प्लस इसका साथ, इसका माइनस माइनस का साथ, ठीक है। इसको पैरेलल में कनेक्शन करना है, बिल्कुल ईजी है। फिर बैटरी को डब्बा के ऊपर ग्लू गन से फिक्स कर देना है, ठीक है। एडजस्ट करके मिडिल साइड में करके इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद एलईडी को इसका अंदर लेना है, तो मिडिल में भी एक होल करके इसको अंदर ले लेना है। तो चलिए, मैं फटाफट से काम को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, बैटरी का कनेक्शन हो गया है। मॉड्यूल से प्लस वाला आके बैटरी का प्लस में चला गया है और माइनस वाला आके बैटरी का माइनस में चला गया है। और इस दोनों साइड में आप अलग से कोई सा भी चार्जर मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं पूरा फिक्स कर दिया हूँ, अंदर ले लिया हूँ। अंदर दोनों वायर को मैं बैंड कर दिया हूँ। उसके बाद वायर का भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिए, वायर का भी कनेक्शन हो गया है, दोनों बैटरी में आ गया है प्लस माइनस। यार, एक स्विच है, स्विच का एक बैटरी में चला गया है और एक लाइट में गया है, फिर एक लाइट बैटरी में डायरेक्ट चला गया है, ठीक है। तो स्विच का कनेक्शन बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टेबल लैम्प पूरा रेडी हो गया है। आप करते हैं इसको टेस्टिंग। तो पहले मैं चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। जब चार्ज होगा ये रेड लाइट ब्लिंक करेगा, और जब फुल हो जाएगा तो ये ब्लू लाइट जलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, चार्जर को अंदर करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये रेड लाइट जल रहा है। उसके बाद जब फुल हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो आप एलईडी को जलाता हूँ, तो मैं लाइट को ऑफ करता हूँ पहले। आप एलईडी को रेगुलेटर स्विच है फ्रेंड, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑन भी एक ही स्विच में है। तो ये देखिए फ्रेंड, पावर बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको ऐसे बैंड भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।